बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ भाई ऑफिशियल में खुश आमदीद। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट वीडियो बआसानी मिलती रहे। अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम फैसलाबाद में मौजूद है BDAV पे, चले आए इनसे मिलते हैं और इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाल भाई। वालेकुम सलाम लाल भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे भाई जान। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्र अल्लाह का। सर आप हमारी वीडियो को बताएं, माशाल्लाह आपका शो कैसा जा रहा है? सर बेहतरीन लगे हुए हैं कोशिशों में अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह आपने काफ़ी बड़े इस दफ़ा अपग्रेड भी किए हैं। हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि इस सीज़न आप कौन कौन से बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में करवा रहे हैं और कौन कौन से आपने नई म्यूटेशन ऐड की है? जी फंद भाई, इसके अंदर ये है कि बर्ड तकरीबन क्वांटिटी की बात करें तो म्यूटेशन के अंदर आप कह लें कि राउंड अबाउट कोई 30 पेयर होंगे माशाल्लाह। तो उसके साथ साथ मैंने कमर्शल को जो है ना वो ज़्यादा किया सही। नया सेटअप किया है, उसके अंदर कमर्शियल इंशाल्लाह ऐड करूँगा। तकरीबन 40 पेयर होंगे कमर्शियल के। ज़बरदस्त, यानी कि 30 म्यूटेशन और 30-40 कमर्शियल। हाँ जी 30-40। ज़बरदस्त। और म्यूटेशन में आपने कौन कौन सी म्यूटेशन पर वर्किंग कर रहे हैं? म्यूटेशन के अंदर कौन सा है वो अल्हम्दुलिल्लाह पेल पर वर्किंग हो रही है माशाल्लाह। ऑफलाइन पर वर्किंग हो रही है, पेल फेलो है, फिर उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह स्लेटी भी ऐड किया है माशाल्लाह। स्लेटी के साथ फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा डन फेलो ऐड किया। ज़बरदस्त। तो इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारी म्यूटेशन हैं अभी। ये जो टॉप ट्रेंडिंग म्यूटेशन हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी हैं। इसमें बहुत एक्सपेंसिव है वो भी नहीं है, वो इंशाल्लाह साथ साथ टाइम के साथ साथ ऐड करते रहें इंशाल्लाह, ऐसे ही होगा। तो सर आप ये बताएं कि आपने इस बर्ड हॉबी से क्या सीखा? इरफान भाई देखें, बंदे इधर अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, ठीक है। जो ये काम है ना, इसको एज आ कई लोग बिजनेस लेके चल रहे हैं, एज आ शौक लेके चल रहे हैं, ठीक है। जिसका पहले शौक था उसका बिजनेस बन गया है जी। इसका जिसका पहले बिजनेस था वो मजीद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऐसे ही ठीक है। तो सीखने और सिखाने वाली जो बात है वो ये है कि अच्छे लोग भी मिले हैं बुरे भी मिले हैं, ठीक है। लव बर्ड ने किसी का कुछ नहीं किया, लोगों ने एक दूसरे को ख़राब कर दिया, ठीक है। लोगों ने एक दूसरे को बेहतर किया, उन्होंने ही ख़राब किया। तो मैंने तो ये सीखा है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो सुकून से दिल लगा के अपना काम करें, किसी की जो है ना वो जो टांग खींचने वाला चक्कर है वो ना करें, अपना काम करें। किसी को गाइड करना है तो सही करें, अगर आपके पास उस चीज़ का इलाज नहीं है, उसकी बात का इलाज नहीं है, तो उसको कहें कि भाई जन माजरत माजरत। चले अब हमारे व्यूअर्स को अपना सेटअप विजिट करवाएं। बिल्कुल जी, अभी ये जब हवा नहीं थी इसकी तब भी मैंने तभी भी ये वर्किंग कर ली थी कि वो बर्ड है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट को कैच कर लेंगे। बिल्कुल है। बीज लाल रही है, गेंद कौन सी बेरी है? ये जी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ऐड किया, ठीक है। मेल इसके अंदर पालतू ढंग से लोग सबसे कम लाइन का मेल है, ठीक है। इसके साथ ब्लू टू लाइन भी अंदर है, इसके अंदर जी कुछ पालतू हैं, कुछ सब्जेक्ट पेड फैलो हैं, कुछ सब्जेक्ट ऑफलाइन सब्जेक्ट पेड फैलो हैं, ठीक है। और कुछ पेड फैलो भी मिल रहे हैं, कुछ इसके अंदर कौन सा है वो यूट्यूब के बर्ड हैं जो कि ऑफलाइन हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोग सारे बर्ड अवेलेबल है, इसमें आप बिल्कुल अवेलेबल हैं, जो सब्जेक्ट हैं वो जो है वो अवेलेबल है पेड फैलो।
और साथ ही जब इसके एंड पर डिमांड आएगी तो इसको निकाल देना है। ये हम भी वो बर्ड से कुछ परचेज थे, कुछ जो से थे वो होम ब्रीड जो होल्टी हुए हैं जो कि इस सीजन में ब्रीड करेंगे। ठीक है, इसमें पेलो प्लाइन है, पार्डो प्लाइन है, कुछ आपको क्रिमिनो अल्बानो भी नजर आ रहे हैं, पेन फेलो विजन है और सप्लीटो प्लाइन सप्लीट है। जबरदस्त माशाल्लाह, ये सारे डीएनए बर्ड्स हैं और तकरीबन छः से सात मंथ। जो कि जिसका आजकल मशहूर है कि पालतू पेलो की बहुत डिमांड है सफेद पेलो की और रीजन की, तो ये पालतू सफेद पेलो वाले पालतू सफेद पेलो का मेल है और ग्रीन पेलो सफेद ब्लू की है। ये सर आप तो ब्रीडर पे हैं या फर्स्ट टाइम? ये ब्रीडर पे है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है जी। बिलाल भाई ये वाली कौन सी पेरिंग है? ये जी डेलूटो प्लाइन की पेरिंग है। ठीक है, ये भी मतलब ब्रीडर पेयर है, तो इसका जो मेल है वो सप्लेट ब्लू पिछली सप्लेट ऑफ लाइन सप्लेट डायलूट का मेल है और ग्रीन ग्लूइंग ऑफ लाइन डायलूट की इसमें हैं सप्लेट मेल। जी बिलाल भाई ये वाली कौन सी पेरिंग है? रहमान भाई ये भी सप्लेट टू सप्लेट पेरिंग है, इसमें जो मेल सप्लेट ऑफ लाइन सप्लेट पेरिंग और सप्लेट ब्लू का मेल है जी और ब्लू सप्लेट पेरिंग है इसमें है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है बर्ड है जी। बिलाल भैया गेम कौन से बर्ड है भैया? ये जी जो सारे हैं ये मेरा कमर्शियल अल्बाइनोज का सेक्शन है जी, ये सारे अल्बाइनोज आ जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ब्रीडिंग प्लेयर्स हैं। पिछले ईयर और इस ईयर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तो होप सो कि नेक्स्ट ईयर भी जो अपकमिंग सीजन है इसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सर इस तरफ मुझे कुछ अल्बाइनो रेडाइज और क्रीमिनो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, ये वो हैं जो बाद में ऐड किए थे, ये मुंबई के चिक्स को होल्ड करके आगे ऐड ऑन किए थे। इसमें अल्बाइनो हैं, सप्लेट्स हैं, क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो है, डेकिनो। जबरदस्त माशाल्लाह। और इससे नीचे पे यार ये जी क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो आ गया, ये भी ब्रीडर पेयर है भैया, ये भी ब्रीडर पेयर है, ये लैक्टोरेट लगा हुआ और इसकी रेशियो माशाल्लाह शुरू में तो देखिए दो तीन चिक्स के, उसके बाद पांच भी आते रहे और सबके सब रेड है, सरवाइव भी थी माशाल्लाह जबरदस्त। और इसके साथ अगेन मुझे एक और पेयर नजर आ रहा है, इसके साथ जो पेयर है अगर आप देखें तो ये जो पेयर है ये टेकिनो इंटू अल्बाइनो रेडी का पेयर है। ठीक है, तो
ये भी कमर्शियल में बहुत ही जबरदस्त पेयर है। मैं मशवरा देता हूँ कि अगर कोई कमर्शियल में लगाना चाहे तो वो डेकिनो इंटू अल्बाइनो का पेयर ये वाला पेयर ला रहे थे। डेकिनो इंटू अल्बाइनो रह गए इसमें क्या है इसमें जी टोटल मेरे पास जो अलहमदिल्ला चिक्स आते रहे हैं वो पाँच में निकलते रहे हैं जिसमें से दो जी क्रीमिनो आते रहे हैं एक आधा डेकिनो आता है अल्बाइनो रह भी आता है फिर भी आता है। पिछले साल ये बच्चे मुंगरी के होल्ड किए थे जी और उन बच्चों को होल्ड करके इस सीजन में मैंने लगाया था प्रॉब्लम होता है ये तीसरे क्लच के इसके साथ इस टाइम बच्चे मौजूद है सेल्फ हो गए हुए हैं बस सेपरेट नहीं ये भी पॉसिबल ब्लू हुए जो मैंने आपको पहले रिजल्ट किया था कि नया सेटअप जो है वो मैं लगा रहा हूँ तो ये तो सेटअप के लिए हैं ये भी डीजल के लिए हैं और इसमें से जो पेयर्स होंगे उनशाला मैं लगाऊंगा और जो बाकी इसमें से वो पेयरिंग नहीं होगी यानी कि ज़्यादा होगी या हैंड ज़्यादा होगी वो फिर मैं सही कर दूँगा। जी व्यूअर्स कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिए कि आपको मेरी वीडियो लाल बैगर सेटअप कैसा लगा। बाकी जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले अपना चैनल मत भूलें ताकि आप हमारी अपने वीडियो बहुत आसानी देखती रहे। जो बिलाल भाई से रब्ता करना चाहे बिलाल भाई अपना नंबर और लोकेशन बता देते हैं आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। जी बिलाल भाई जी मेरी लोकेशन है टेक टाउन कनाल रोड सत्ताबाद और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03120000933। तो जो भी भजन कंडक्ट करना चाहें विजिट करना चाहें तो वो टाइम सेट करके तो आ सकते हैं। ज़बरदस्त तो बहुत सारी दुआओं से हमें इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेटअप में फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।